वेलकम टू द एंड ऑफ द डिलीशियस एपिसोड ऑफ नेशनल गेट पाकिस्तान। यहाँ हम घूमते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों में और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ के बेहतरीन खाने। आज जो मैं डिश एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये स्नैक भी है और कंप्लीट मेल भी। इस डिश का नाम है पराठा रोल। आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान का बेहतरीन पराठा रोल। अच्छी तरह याद है कि आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है, मैं शूट से आ रहा था लेट नाइट अराउंड 2:30-3 बजे होंगे। यूजुअली शूट पे खाना मिलता है, उस दिन आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजन मैंने खाना नहीं खाया और फिर अचानक भूख लगी, उसको समझ नहीं आया। आई फाउंड दिस प्लेस ईट ऑन DHA में, इट वाज अमेजिंग। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ज़बरदस्त। मैंने उस वक्त उनका नॉर्मल ओरिजिनल जो इनका चटनी वाला रोल खाया था। आई थिंक दीज गाइज वन ऑफ दोज गाइज हैं जिन्होंने कराची में ये ट्रेंड लेके आए पराठा रोल के। यूजुअली पहले पराठे अलग और कबाब अलग होते थे, फिर उन्होंने उसको वो रोल की फॉर्म में कर दिया है। एंड देन वो लेटर ऑन मैंने उनकी जो गार्लिक में हो चीज़ में हो सब ट्राई किए, बहुत आला, ईजी टू ईट और डिलिशियस। वो हमारे जो पाकिस्तानी फ्लेवर्स होते ना, आई थिंक इट्स अ कम्प्लीट मील, मज़ेदार खाना। बीफ माया गार्लिक कर दो, कितने सर? दो कर दो, भूखा बहुत हूँ। यहीं खाएंगे, चटपटा होता है। इनका गार्लिक मेयो बहुत बहुत पसंदीदा है लोगों का, तो मैंने गार्लिक ट्राई किया, नाइस बस्टिंग फ्लेवर गार्लिक मेयोनेज के साथ क्रीमी और गुड टेंडर बीफ। पराठे की खास बात यही है कि हर जगह की तरह उनका पराठा बहुत आला है, लेकिन इस पराठे को आप बहुत देर रख के नहीं खा सकते, वो फिर चढ़ जाएगा, खिंचेगा। अभी गर्मा गर्म बहुत आला। फूड की सच ले आई मैं मुल्तान में। एक चीज़ यहाँ बड़ी नायाब है, वो है ठंडी हवा। आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि हवा बहुत ठंडी है। यहाँ आज हम ढूंढ रहे हैं यहाँ का बेस्ट पराठा रोल। तो कि यहाँ बहुत ज़्यादा पराठा रोल कॉमन नहीं है, लेकिन सुना है कि एक दो जगह है और जो खास जगह जहाँ बड़ा मशहूर है वो है चुंगी नंबर 9 यहाँ की फूड स्ट्रीट। ट्राई करते हैं यहाँ का पराठा रोल। एंड फाइनली मुल्तान का पराठा रोल। अच्छा ये अमेजिंगली डिफरेंट है, यूजुअली पूरी पराठा होता है वो नहीं है, और इसको जो बारबेक्यू ग्रिल किया जाता है वो नहीं था, कुछ हॉट प्लेट पे इन्होंने ग्रिल किया था चिकन को विद योगर्ट और मेयोनीज के साथ। आई डोंट नो मेयोनीज में क्या है, और पराठा फ्रोजन है। आई एम नॉट अ बिग फैन, लेकिन आइडिया अच्छा है कन्वीनियंस के हिसाब से कि फ्रोजन पराठा आप यूज़ कर सकते हैं। इट जस्ट राइट, नाइसली स्पाइस सीजन, बल्कि थोड़ा निकलता हुआ विच इज़ गुड, क्योंकि जो मेयोनीज है जिसको जूसी भी कर रही है, उसके अंदर बड़ा रोबस्टिंग फ्लेवर है गार्लिक का, वेरी वेरी नाइस। आई थिंक मुल्तान में इस तरह के और होने चाहिए। आई एम एंजॉइंग इट। सबसे इसकी अच्छी बात ये कि फूड ऑन द गो, लें गाड़ी चलाते रहें वैसे खा लें, बैठ जाएं रिलैक्स होकर खा लें, वॉक करें खाते जाएं। मैंने बीफ ऑर्डर किया है एंड विदाउट एनी मेयोनीज गार्लिक मेयो चीज सॉस प्लेन चटनी के साथ।
अगर पहले बाइट में बताऊँ आपको, मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी पराठा, खिचनीरा कुट पराठा और बीफ जूसी है, बिल्कुल गलावा जिसको कहते हैं, और चटनी बहुत आला। अगेन अमूमन चटनियाँ बहुत तेज़ होती हैं, बट दिस इज नाइसली डन। हो सकता है बीच में आ जाए चटनी तेज, लेकिन अभी तो सो गुड। जैसे स्ट्रीट के अंदर आप घुसेंगे आपको 10-12 दुकानें भी नजर आएंगी पराठा रोल की। सबकी कॉमन बात ये कि आपको सब में एक चीज़ मिलेगी कॉमन, वो है कराची। इट मीन्स कि फूड का ओरिजिन कराची है, और किसी ने आगे पीछे नाम गोल्डन सिल्वर सर कर लिए, लेकिन मैं कहूँगा बेस्ट मुझे लगा आफ्टर कराची, नथिंग लाइक इट। बहुत अच्छा फूड, और ख़ास बात ये कि जैसे आप घुसेंगे आपको बहुत सारे लोग अटैक करेंगे, हर सर्वर चाहेगा कि आप उससे ले लें, क्योंकि वो आपको फिर अपनी रेस्टोरेंट का अपनी दुकान करा के देंगे। तो मैंने पिक किया ये वाला रेस्टोरेंट, आई एम ग्लैड कि बहुत आला। अरे वो सवाल ये कि रोल, ये तो नए दौर की याद है जी। जी आप लोगों ने कैसे शुरू कर दिया, क्या वजह क्या है जी? पब्लिक की डिमांड थी कि रोल रखा जाए, रोल रखा जाए। ये कराची से आपको लगता है आया क्या? हाँ। और आप रोल में तो सी कबाब आया है, कोई बोटियाँ रखता है वो भी रखते हैं, और आप एक ब्रोश वाला भी रखते हैं। ब्रोश वाला ये भी, ये जिद्दत कैसे? कराची से लेकर आए थे हम, कराची हुसैनाबाद से। अच्छा, लेकिन आप क्या फूड को जाके खाते हैं, शहरों में जाके खाते हैं? जी जी। तो ये ऐसे ही आप आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, नई नई चीज़ें बनाते हैं? नहीं, हर रोज कोई ना कोई नया आइटम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ आपके टीवी से देखते हैं। अच्छा, वो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। आपके टीवी से कुछ आइटम ऐसे जो आपने बताए थे वो हम बनाते नहीं कह रहे। हाँ। अरे वाह सर, बहुत आला, मजा आ गया। मुझे लगता है कि चटनी इतनी मजेदार है, और नथिंग लाइक इट फूड ऑन द गो। उठाया आपने, रैप किया रोल के अंदर, तमाम चीज़ें डाली, और इट्स अ गुड वैरायटी है यहाँ पे। खास बात है कि वो बूटी वाला भी है, सी कबाब वाला भी है, और क्रंच जो कि चिकन रोस्ट है उसका भी बना हुआ है। तो आई एम गोना एंजॉय दिस, हैव फन। ये फैसलाबाद के बॉयज हैं, और बड़ी मेरे आने से पहले शुगर मेरा हो रहा था, मैंने कहा मैं भी तो ज्वाइन करूं इनको। इनमें से रैपर भी एक है, रैपर भी है ये पुरजोर फरमाइश है लोगों की, इनका रैप जरूर सुना जाए, तो हो जाए। भाइयों का सीन बड़ा आला लगा। ओह जबरदस्त, पराठे भी आ गए सर। ये आपका बिस्मिल्लाह है, मजा है, मजेदार है, हैवी होता है। अच्छा, मजे की बात ये है कि मुझे लग रहा है कि कराची के बाहर कबाब पराठा रोल आपको हर जगह मिलेगा, डिफरेंट स्टाइल से मिलेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ का पराठा रोल मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ख़ास बात ये कि तो पराठा खिचनीरा वेरी नाइस, और बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, चिकन मॉइस्ट है, मेयोनीज केचप कुछ नहीं है, सिर्फ इमली की चटनी, प्याज। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, सिंपल। और ख़ास बात ये है जो मुझे लग रही है कि मिर्चें बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग फैसलाबाद हैज़ टू ऑफर। बड़े मज़े की बात यह है कि पराठा रोल जहाँ भी है कराची के बाहर, वो कराची को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अमूमन कराची, सिल्वर स्पून या इस तरह के नाम मिलेंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि डिश कराची से ओरिजिनेट हुई है और फिर पूरे पाकिस्तान में फैली है, पर इट्स अमेजिंग। ऑलराइट, जिंदगी में कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, होती बड़ी आसान है, बल्कि मुझे लगता है कुछ चीज़ों को आसान कर लेना चाहिए, खासतौर पर जब बात करें खाने की। वन ऑफ माई फेवरेट फूड, अगर आप जल्दी में हैं, बहुत सब ऐसे मूड होते हैं कि समझ नहीं आता क्या खाएं क्या ना खाएं, बैठ के खाना है या घर ले जाके खाना है, आई थिंक ऐसे मौक़ों पर पराठा रोल इजीएस्ट थिंग।
मील ऑन द गो उठा लिया आपने और खाते हुए गाड़ी में चले गए, ज़िंदगी आसान हो गई, पेट भर गया, तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। आज उसी को हम थोड़ा सा मेरे स्टाइल में, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा सा मैंने इन्फ्लुएंस लिया है मैक्सिकन से, बुरीटोस। अच्छा, बुरीटोस के लिए बहुत आसान चीज़ें जो होती हैं हम वो अपने स्टाइल में बनाएंगे, ईजी है। और पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं फ्लेवर्स के, हमें फ्लेवर्स के लिए डालना है लहसुन अदरक, हम डालेंगे नेशनल का बिहारी कबाब मसाला, थोड़ा सा लेमू हम इसमें निचोड़ लेंगे, थोड़ा सा ऑयल। ओके जी, और मसाले को आपने थोड़ा सा मिक्स कर लें प्रॉपरली ताकि हर चीज़ हर जगह लग जाए। घर पे हो मैं कहूँगा एटलीस्ट इसको फ्रिज में रख के आधा घंटा वेट करें, मैं क्योंकि आउटडोर हूँ टाइम नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। ओके जी, मेरे पास हॉट प्लेट है, गर्म है, इस हॉट प्लेट में डाल के इसको हम कुक कर लेते हैं। ऑयल ऑलरेडी इसमें ऑयल मौजूद है, थोड़ा सा अलट पलट लें ताकि हर तरफ से इवनली कुक हो जाए। ओके जी, जब तक ये कुक हो रहा है अब साथ ही साथ, क्योंकि ये जब तक तैयार होगा हमें दूसरी चीज़ हम डाल सकते हैं इसके अंदर, मेरे पास बनी बनाई रोटियां हैं। अच्छा, घर पे आप चपातियां यूज़ कर सकते हैं या सिके हुए पराठे, मैंने तेल वाले बिल्कुल नहीं लिए। हमने क्या करना है कि यहाँ से ये रोटियां हैं, अच्छा हल्का सा ऑयल यूज़ करेंगे और साफ जगह पे हल्का सा ऑयल, और इस पे मैं चीज़ के स्लाइसेस डाल रहा हूँ, जो चीज़ आपको पसंद है वो ले लें। ओके जी, मेरे पास बिरयानी की चावल है, सादे बिरयानी नेशनल के मसाले से हमने बनाई हुई है, वो ले लेते हैं। आई नो आप कहेंगे बिरयानी रोल में, ट्रस्ट मी बड़ा मज़ा आएगा, ट्राई इट। सेंटर में मैं चीज़ के ऊपर ये डाल रहा हूँ, दही के साथ हम नेशनल की ग्रीन चिली सॉस ले लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाह रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर करने के लिए इसका हम रायता सा बना लेते हैं। बिरयानी पे थोड़ा सा ये चटनी आपने डाल देनी है ताकि जूसी हो जाए। हाय हाय हाय। अब जनाब ये जो हमने चिकन कुक की है, चिकन के पीसेस इस पे रख लेते हैं और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ओहोहू, लुक एट दिस। और इसको ट्राई करते हैं, आप चाहे इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। इट्स अ मस्ट ट्राई। नेशनल के पाकिस्तान के सीजन में हमने कोशिश की कि हम पाकिस्तान के मोस्ट सेलिब्रेटेड खानों को एक्सप्लोर करें। खाने वही मगर हर शहर में इन्हें अलग अलग अंदाज से बनाने का तरीका हमने एक्सप्लोर किया। कराची से पिशावर, घर घर में बनने वाली रेसिपीज जैसे कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, हलीम, हर इलाके और शहर में लोग इन्हें अपने तरीके से बनाते हैं। एंड वी ट्राइड कि हम उनसे उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट पूछें एंड देन उसे एक नया रंग दें नेशनल फूड प्रोडक्ट के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान वेरी ओन स्ट्रीट फूड कल्चर सच एज बन कबाब, हलवा पूरी, समोसे, हमने सोचा क्यों ना हर शहर में जाके इन चीजों का मजा भी लें एंड देखें कि व्हाट मेक्स ईच ऑफ दीज रेसिपी सो यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड द स्पेशलिटीज सच एज फिश, कटाकट, बारबेक्यू, पिज्जा। आई वाज सरप्राइज्ड कि लोग इन्हें कितने अलग अलग अंदाज से बनाते हैं और खाते हैं। इट वॉज ट्रूली अमेजिंग। नाउ दैट दिस सीजन इज अबाउट टू एंड, आई होप कि आपने भी पाकिस्तान के इन खानों को उतना ही इंजॉय किया होगा जितना मैंने किया। And you would try our recipes at home with National Food Products.